आपको एक इंफॉर्मेशन देना है गाइज कि हर शाम 7 बजे अब हम लाइव होंगे और आप से जुड़े हुए बहुत सारे चीजें, नोट्स वगैरह, लाइव सेशंस हम लेंगे आप सभी के लिए। तो हर शाम 7 बजे आप लोगों को हमारे साथ में बने रहना है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, सीबीएसई ने कई सालों में पहली बार ऐसा किया है कि उन्होंने अपने क्लास 10th और 12th के जो मतलब 6 साल तक के बच्चे जो पहले कभी भी फेल हुए थे, उन सभी को एक गोल्डन चांस मिला है कि वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा गोल्डन चांस है ये। 2015 से लेकर के 2020 तक के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स असफल हुए थे, फेल हुए थे, ठीक है, तो उन्हें गोल्डन चांस मिल रहा है 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। हम आपको इसको पूरा आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको एक खास इन्फॉर्मेशन दे दें कि बोर्ड एग्जाम 2021 को टारगेट में रखते हुए हमने बहुत ही स्पेशल तैयारियां की हैं आप सभी के लिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स, एवरीथिंग, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि जिससे कि आप 95% प्लस टारगेट आप लें, और ना सिर्फ लें बल्कि उसे आप अचीव करें, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि ये जो आप सभी कैंडिडेट्स हैं, ये 2015 से 2020 तक में कोई भी अगर स्टूडेंट फेल हुआ था, असफल हुआ था क्लास 10 12th में, तो वो 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कभी बीच में पढ़ाई छूट गया हो तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये 11 नवंबर तक भरा जा सकता है। 1500 रुपीज़ इसका जो है वो आपको चार्जेस हैं, 1500 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। वैसे लेट फाइन के साथ में आप 21 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस आप लोगों को ये है कि कभी भी लेट फाइन में नहीं जाना चाहिए। स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है अभी आपके पास में। तो अगर आप टारगेट कर चुके हो तो सीधा सीधा फॉर्म भर दो, ठीक है। फॉर्म भरना कैसे है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जा करके मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब कंप्यूटर अपने स्क्रीन पे चलते हैं और उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सो गाइज, ये रहा वो लिंक जिसके थ्रू से आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन मेन 2021। ये जो लिंक है जिससे आप एंटर करेंगे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं इस साइट पर, ठीक है, मतलब सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर। अब आपको कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले तो ब्रीफ कैटेगरी एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, कंपार्टमेंट कैटेगरी, इंप्रूवमेंट वाले, फेलियर्स वाले, एडिशनल सब्जेक्ट वाले, ठीक है, ये सब वाले सब हैं। और यहाँ से आपको जाना है, यहाँ आप जहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में कंपार्टमेंट क्लास 10 12 जो दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले अपना जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपके एडमिट कार्ड में था वो एंटर करना है। एंटर रोल नंबर, 5-डिजिट स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और प्रीवियस ईयर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो आपको देना है, देन प्रोसीड। तो गाइज, ये सब भरने के बाद में आपको जो फीस है वो आपको फ़ी अपना सबमिट करना है, और उसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन फिलअप किया उसका एक हार्ड कॉपी आपको निकाल करके ज़रूर रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप फॉर्म भरेंगे, किस तरह से आप करेंगे। और मेरा सुझाव है कि 11 नवंबर तक आप फॉर्म ज़रूर भर लें, क्योंकि उसके बाद में लेट फाइन आपको लग जाएगा, तो वो गलत होगा, आप अभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो गाइज, ये मेरा सुझाव है आप लोगों को कि तुरंत आप इस प्रोसेस से अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। ये गोल्डन चांस है 2015 से 20, ये बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। NIS वगैरह जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए हमने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 2020-21 को टारगेट करते हुए हमने सभी सब्जेक्ट्स के, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के, हम आपको MCQs, इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको दे रहे हैं, आप उसे जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।